Hey guys, welcome back to our channel. और आज देखो मेरे साथ कौन है मैडम जी को फाइनली टाइम मिल गया ना? हाँ, मेरे को बस ये था मैं पहले कुछ बन जाऊँ उसके बाद फिर ज्ञान बांटू तो इनका बेसिकली ये सीन था थोड़ा ये आर्टिस्ट लोग है भाई बड़े लोग होते हैं काफी बिजी थी काफी चीजों में काफी इनके कोर्स वोर्स चल रहे थे फिर पार्ट टाइम जॉब बीच में करी थी एंड शी वाज लाइक सुपर सुपर बिजी की यार टाइम नहीं निकाल पा रहे थे और वो ना अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही थी वीडियो के लिए तो आज हम फिर भी आए हैं इनको टाइम इनका टाइम अपॉइंटमेंट लेके इनसे कि भाई चलो वीडियो कम से कम कर दो बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक राइट नाउ व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कमिंग टू कनाडा एज एन आर्टिस्ट राइट सो हाँ जी तो आर्टिस्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये बताओ कि यार तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब तुम कनाडा आ रही थी एज एन आर्टिस्ट की तुम क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आ रही थी कि यहाँ पे तुम्हें क्या होगा क्या डेवलप करोगी या क्या तुम एक्सपीरियंस कर सकती हो यहाँ से वेल जब मैं आ रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि एज एन आर्टिस्ट कि मेरे को जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं क्लासेस ले सकती हूँ कहीं पे भी क्योंकि मेरे पास आर्ट है स्किल है मैं सीनियर्स को पढ़ा सकती हूँ बच्चों को पढ़ा सकती हूँ तो मैं कहीं पे भी अपनी क्लास स्टार्ट कर सकती हूँ तो मुझे इतना लग नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा हर्डल होगी जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं रही वैसी टीचर का भी एक्सपीरियंस है हमारे पास तो टीचिंग का भी तो दो साल इन्होंने टीचिंग भी करी है स्कूल में सो आर्ट टीचर रही है ज्यादा ही करी है वो तो ज्यादा ही करी है लेकिन हाँ तो ऐसे तो मुझे ये था कि मैं कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लूंगी अपना कुछ काम स्टार्ट कर लूंगी और इतना ज्यादा हर्डल होगा नहीं जितना मुझे लग रहा था लेकिन जैसे सर्कमस्टेंसेस हुए जैसे चीजें थी उससे लगा कि जो जो दिखता है जो इतना दिखता है वहां पे इतना इतना इजी नहीं है यहां पे तो दैट इज अ रियलिटी सो वी विल टॉक अबाउट रियलिटी नाउ सो अभी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी ये थी कि यहां पे हो जाएगा रियलिटी यहां पे आके क्या है व्हाट अबाउट आर यू नॉट गेटिंग जॉब्स ऑन टीचिंग कि आप आर्ट वर्क कहीं पे नहीं मिल रहा है कहीं पे आप शोकेस नहीं कर पा रहे हो कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है सबसे पहले तो व्हाट आई फील इज कि हम लोग इसे मार्कम में है तो दैट इज लाइक ऑल चाइनीज बेस्ड सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी हियर आई फील कि डिफिकल्ट है क्योंकि अगर आप अपने इंडियन कम्युनिटी में हो तो आप एज एन यू नो क्लासेस लेने के लिए जाओगे तो अप्रोच करोगे तो इट्स ईजी यू नो टू अप्रोच देम सेकेंड थिंग व्हाट आई फील इज कि टीचिंग इज नॉट ईजी बिकॉज यहाँ पे आपको अपना एक अलग से यू नो कोर्स सर्टिफिकेट लेना अगर आपके पास बी एड है पहले से इंडिया से अदरवाइज आप बी एड करो या सर्टिफिकेशन लो एंड देन यू गो टू टीच इन स्कूल बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज नहीं ये चीज नहीं मैं करना चाहती थी सो दो साल का और कोर्स हो जाएगा ना वो और लंबा दो साल हो जाएगा exactly. और अब उम्र हो गई है और दूसरा ये कि एज एन आर्टिस्ट व्हाट आई फील इज कि अब मेरे पास अगर और अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और चीज सीखने को मिल रहा है तो व्हाई यू नो आई शुड गो फॉर लाइक दिस थिंग सेटल इन समथिंग जो मैं नॉर्मली कर सकती हूँ तो ये चीज है दूसरा आई थिंक प्रॉब्लम और एक और कहाँ आती है एज एन आर्टिस्ट जब आप इंडिया में होते हो अब यू नो व्हेन यू हैव स्टडीड आर्ट यू आर बीन यू हैव एग्जिबिटेड इन सो मेनी प्लेसेस देन यू फील यू नो यू यू हैव दैट लेवल आपने कहीं ना कहीं आपको जैसे मेरे काफ़ी काम कहीं ना कहीं पे शोकेस हुए हैं और काफ़ी जगह न्यूज़पेपर में भी आया है तो यू हैव दैट फील यू नो कि आई एम द आर्टिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग बट जब हम यहाँ आते हो आपको रियलिटी चेक होता है एंड द थिंग इज people's works are amazing i mean amazing then i feel like oh my god i mean yaar main kuch thoda sa andar feel hota hai ki inferior ki yaar ye log na because they are very very particular about things yahan pe hum log kya india mein hum log overall dekhte hain us cheez ko yahan pe ye log na subject wise subject inka bahut strong hai like hum bolte hain specialization karna hai kisi mein and that's what i think people here are very very experienced in and they are specialized in one particular thing yeah techniques and all it's superb i mean if you want to do realist art i mean that realistic thing to make that is something is like amazing jo techniques use karte hain so mostly so canada mein kya scene hai canada ka apna aisa mujhe kuch art culture sorry to say nahi laga but the thing is ki jo bhi culture hai that is all from european style to wahan ka unka style yahan pe hai to yahan pe kuch kuch wo hai academies hain jo ki classes leti hai jo european style sikhati hai to maine wahan pe join kiya tha and wahan pe maine dekha ki matlab The things that I learned, वो मैंने वहाँ इंडिया में नहीं सीखा था There are, I mean, it's a different thing to learn. So which I feel like, you know, it's a plus point for me कि मैं ये सीख के मैं वहाँ पे, you know, दोनों चीज़ों को collaborate कर सकती हूँ तो वो चीज़ मुझे काफ़ी interesting लगी है So basically क्या है ना जैसे Canada और US है यहाँ पे आप आके art बेचते हो exactly. इतना सीखते नहीं हो क्योंकि यहाँ पे वो typical आपके वो फूल बाहरों वाले art बिकते हैं abstract वगैरह art वगैरह बिकता है यहाँ पे ज़्यादातर So यहाँ पे क्या है ये बेसिकली आप जैसे इंडिया में ठीक है कोलकाता में आपको बथेरे क्या क्वालिटी आर्टिस्ट मिलते हैं भाई बिल्कुल टैलेंटेड आर्टिस्ट मिलते हैं लेकिन जब आप आर्ट बेचने जाते हो ना आप जाते हैं मुंबई दिल्ली में भी
कुछ कुछ बिक जाते हैं, लेकिन मेन हब तो मुंबई है, राइट? या सो अदर थिंग इज, जब मैंने काफी यहाँ पे एग्जीबिशंस में मैं वहाँ पे वॉलंटियर करा, प्लस मैं यहाँ पे काफी लोगों से इंटरेक्ट किया आर्टिस्ट के साथ, एंड मैंने काफी चीजें नोटिस करी है कि यू नो व्हाट, एज एन आर्टिस्ट यहाँ पे लोग जो हैं वर्क जो लाइक करते हैं वो फिगरेटिव वर्क्स लाइक करते हैं. यहाँ पे लाइव पेंटिंग का बहुत ज्यादा लोगों को यू नो क्रेज है, सो वाइन पी के लाइव पेंटिंग बनाना, इन्होंने भी क्लासेस ली हैं, व्हिच आई रियली लाइक बिकॉज आई एक्चुअली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइव पेंटिंग, बट दैट इज अनदर थिंग. सो द थिंग इज कि आप ना काफी यहाँ पे फिगरेटिव वर्क्स बिकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा यू नो लैंडस्केप या फिर फ्लावर्स बने हुए होंगे विद अ गुड टेक्निक, यू नो आप उसमें कई गलतियां नहीं निकाल सकते, लाइट एंड शेडो की ये सब चीजें, घर पे दीवार पे लगाने वाला काम, हाँ, या फिर एब्स्ट्रैक्ट. लेकिन यहाँ पे जो लैक करती चीज वो होती है कि यू नो कॉन्सेप्ट, सो देयर इज नो आर्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन यू नो एनीथिंग व्हिच इज कॉन्सेप्चुअल आर्ट, व्हिच आई फाइंड कि हमारे इंडिया में अगर आप आर्ट देखोगे इट इज ग्रोइंग, इट्स लाइक ट्रेमेंडसली इट्स ग्रोइंग, एंड द कंटेम्प्रेरी आर्ट इज ग्रोइंग इन अ वेरी फास्ट वे. इफ यू सी आर्ट वर्क्स, तो आर्टिस्ट जो है वो उनके पास थीम है, उनके पास अपना स्टाइल है, उनके पास चीज है, दे नो व्हाट दे आर शोकेसिंग. यहाँ पे वो चीज लैक करती है. अगर आप एक स्टॉल में जाओगे, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, आपको सिमिलैरिटीज दिखेगी, यू विल सी गुड स्किल्स कि ओ माय गॉड इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते, बट द थिंग इज कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है. तो वो चीज मुझे यहाँ पे लगा कि लोग आई डोंट नो मे बी दे डोंट यू नो गिव इम्पोर्टेंस टू कॉन्सेप्ट, और मे बी यू नो दे लैक समवेयर दिस थिंग, बट दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू टेक्निक ओवर हियर. वो तो है. तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने बात करी कि इधर अपॉर्चुनिटीज वगैरह है, मतलब अपॉर्चुनिटीज एज इन यहाँ पे आर्ट बिक सकता है वगैरह वगैरह, तो हमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्या ब्लॉकेड है? कोई इनको डिग्री मांग रहे हैं वो लोग, कि कनेक्शंस मांग रहे हैं, नेटवर्क मांग रहे हैं, क्या वो रेस देख के कर रहे हैं कि भाई चल इंडिया ने तो इसको भाव नहीं देना, मतलब ब्लंटली बोल रहा हूँ मैं तो. सो वेल गैलरीज का मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिया में इजी है अप्रोच करना एज कम्पेयर टू अप्रोचिंग गैलरीज ओवर हेयर, बिकॉज गैलरीज बहुत ज्यादा यहाँ पे डोमिनेटिंग है. यहाँ पे गैलरीज इज लाइक एंड दे हैव देयर ओन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ कुछ गैलरीज में तो गई थी, उन्होंने ब्लंटली बोल दिया था कि इफ यू आर नॉट फ्रॉम क्वेबेक सो वी विल नॉट सपोर्ट यू बिकॉज दे सपोर्ट दोज आर्टिस्ट. सेकेंड थिंग कि सम गैलरीज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट सम स्टाइल, तो उनको वही स्टाइल वाले आर्टिस्ट चाहिए. अगर आपके पास आपका स्किल अच्छा है लेकिन आपका वो स्टाइल नहीं है, सो दे विल नॉट कंसिडर योर वर्क. एंड द वर्स्ट थिंग इज लाइक द कमीशन इज 50%, इट इज नॉट लेस देन 50%, 50 से बढ़ सकता है, दे विल आस्क फॉर यू नो 60 और समथिंग, बट 50% इज द यू नो मिनिमम अमाउंट, लाइक यू कैन नॉट नेगोशिएट ऑन इट. एक्सेप्शनल केस में 40 शायद चले जाएं, गलती से चले जाएं, लेकिन वो अगर आप पहुंचे हुए आर्टिस्ट हो भाई तब वो जाते हैं, वरना तो लूटते हैं भाई आर्टिस्ट. अगर आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो, जैसे अगर आप बाहर से आए हो, तो सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि वो देखते हैं कि आपने कहाँ कहाँ शोज करे इंटरनेशनली, नॉट ओनली इन योर कंट्री, कितने अवार्ड्स जीते हैं, कहाँ से आपने करा है, तो ये आपका बैकग्राउंड चेक प्रॉपर करते हैं, क्योंकि उनको उनको वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं जितना मैंने देखा है. तो उनको वो जो एक्सेप्टेंस, मतलब आप इनको उसमें भी कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, आर्ट ऑफ पेंटिंग वालों को कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, भाई बहुत सुनेंगे लोग. एक बार कोई बंदा मिल गया ना मेरे को कैनेडियन एक्सपीरियंस वाला जिसने शुरू करा था, वो बहुत सुनेगा मेरे से. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये है कि आप जितना फ्रीक्वेंटली यहाँ पे वर्क्स डिस्प्ले करोगे उतना आप लोगों की नजरों में आओगे, एंड देन दे विल यू नो टेक इट सीरियसली. चलो समझ गया, जो मुझे ऐसा चीज लगता है. तो ये बेसिकली ब्लॉकेट्स वगैरह हो गई. अब क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या एज एन आर्टिस्ट बंदा, अगर मान लो कोई 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस का आर्टिस्ट है, क्या उसको आना चाहिए, या क्या कोई बंदा नया नया आर्ट स्टार्ट कर रहा है तो क्या यहाँ पे कॉलेज में डिग्री उसको करनी चाहिए, जैसे शेरिटन या जॉर्ज ब्राउन में आपने देखा है, या आप खुद जो कोर्स कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आप सिर्फ पेंटिंग बेच के यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, और कहीं भी नहीं कर सकते. अब तो जो मार्केट डाउन गई है वो एक्चुअली बहुत 2019 के बाद, मैं इन्होंने काफी केडी ने बहुत बार बताया मेरे को कि 2019 के बाद पहले इनकी पेंटिंग्स आराम से बिक जाती थी, ज्यादा नेटवर्क करने की जरूरत नहीं, ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट 2019 के बाद इन्होंने काफी हिट लिया है और काफी स्लो डाउन हो गया है. इनफैक्ट यहाँ पे आने से पहले भी 2021 अक्टूबर नवंबर में जयपुर में इन्होंने अपना एग्जीबिशन भी लगाया था, और वहाँ पे भी फुटफॉल सैडली इतना नहीं हो पाया था, कन्वर्जन भी इतना नहीं हुआ था जितना यूजुअली होता है. सो द मार्केट डेफिनेटली हैज बीन डाउन, राइट? या एग्जैक्टली. सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट तो डाउन है, एज एन आर्टिस्ट इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव. सो यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स, एंड आप साथ साथ अपने साथ अपनी जो आर्टिस्ट जो लाइफ है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो. बट आई वॉट आई फील इज कि जो मुझे यहाँ पे चीज़ लगी, यू कैन चेंज योर आर्ट इन टू डिफरेंट things, you know, you can go to animation companies, and animation mein ye nahi hai ki you're just doing you know animation stuff, you're just like doing making
3D models or something like that, आपका वो divided हुआ हुआ है कि आप उसमें वहाँ पे conceptual art है, आप conceptual art में जाना चाहते हो या फिर आप सिर्फ modeling में जाना चाहते हो या फिर layout designing में जाना चाहते हो या you know you are just working on hair तो आप सिर्फ उसमें काम कर रहे हो या फिर working on face, तो they have different criteria, तो you can learn that in college and you can apply art in that form, जो कि मैं सोच रही हूँ, because as an artist it's actually difficult nowadays to survive. So when you talk about Kamaldeep as an artist, just also it is very important to share with you guys that she is a visual artist, right? So वो canvas पे painting वगैरह ज़्यादा करती है, but art has different form as illustrator, character designer वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे Ubisoft तो माना जाता है भाई, Montreal तो है, Montreal तो यहाँ पे अड्डा है basically art का. So अगर आप Ubisoft वगैरह में apply करते हो character animator वगैरह, तो opportunities हैं. Pay scale sadly starting में इतना ज़्यादा नहीं होगा, but yes you can. But KD का जो perspective है as art galleries वगैरह जब बात कर रही है, तो not as an animator बात कर रही है, वो as a visual artist बात कर रही है, जो वो खुद है. So your category obviously may differ, but एक wholesome एक review वो दे रही है कि यहाँ पे ऐसा मतलब you know the how the market is, right? Yeah, exactly. Because अभी मैंने यहाँ पे as an art की job fair पे भी मैं गई थी, because there was a job fair specially for you know creative peoples, which I really liked it. तो मैं वहाँ पे गई थी, मैंने वहाँ पे काफी companies से बात किया. There were companies you know child जो cartoons बनाते हैं specially for Netflix and for mostly for the Netflix. So उसमें जो आते हैं cartoons, तो I talked to those companies and then I got to know कि जो what they are looking for. So they are looking for you know storyboarding artists, and I think uski value yahan pe zyada hai because log inke paas nahi hai itne, kyunki that work that I mean that field it demands lot of work and you know like lot of time and energy, so inke paas itna wo nahi hai. Aur एक्चुअली ऐसी ये सब चीज़ें तब पता चलती है जब आप जाते हो इन जगहों में, बात करते हो उनसे, तब आपको पता चलता है कि कहाँ पे किन लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ AI आई फील कि और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है आगे सैडली. सो यही है कि बस ये कि नॉट इन अ वन फॉर्म, सो यू कैन लर्न आर्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म. सो आई एम ऑल्सो टेकिंग सम क्लासेज लाइक एज एन विजुअल डेवलपमेंट एंड यू नो आर्ट डायरेक्टर. So it's an online one. So उसमें भी मेरे को काफी चीजें पता चल गई कि you know how you can change the writing part into a visual part. So इस वीडियो का हम part 2 बनाएंगे, जिसमें we'll talk about Kamaldeep's journey and as an artist as well as in Canada. उसमें हम लोग links share करने वाले हैं, जो भी courses recommend भी कर रही हैं या जो खुद कर रही हैं, जो उन्होंने करा है. So you can figure that out or you can ask comments in the comments जो भी आपने सवाल पूछने हैं. Because we have to go for a movie right now and we are getting late. हमारा 15 मिनट में बस है और जो आधे घंटे एक पौने घंटे बाद आने वाली है, क्योंकि संडे है, वीकेंड होता है. सो वी विल जस्ट रैप अप दिस वीडियो नाउ. हवा चल रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, बट हमने माइक्रोफोन लगा रखे हैं फॉर द बेस्ट वॉइस क्वालिटी व्हिच वी कैन लाइक कम अप विद हियर. सो लेट्स रैप इट अप. व्हाट डू यू फील दैट एज एन आर्टिस्ट, कैरेक्टर डिजाइन, विजुअल इलस्ट्रेटर वगैरह वगैरह, इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा? ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि शी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, शी डजंट like it here too much comparatively, let me be honest with you, mujhe yahan pe pasand usko nahi pasand aa raha yahan pe kuch bhi, but as a professional do you think Canada is worth giving a shot at least for 2-3 years? I feel if you are good at art, okay, learn things from India, because hamare paas jo art history hai, art culture, that is something jo aapko kahin nahi milegi. Learn art from there, learn your art history, learn you know techniques and everything from there, and usko yahan pe apply karo, yahan pe seekhne ke liye polish karo. यहाँ यहाँ सीखने के लिए मत आओ, व्हाट आई विल से, यहाँ पे बेचने के लिए आओ और यहाँ पे नेटवर्किंग करो, व्हिच आई फील नेटवर्किंग आई थिंक वहाँ भी आप आराम से ऑनलाइन आप कर सकते हो, बट डेफिनेटली यू नो हैव अ पर्सनल ब्रांड. आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज. एज एन आर्टिस्ट हैव अ पर्सनल ब्रांड एंड इंडिया में सीखो फॉर श्योर, क्योंकि एशियन कल्चर इज ऑलवेज रिच देन द वेस्टर्न कल्चर, इट ऑलवेज बीन हैज बीन. यूरोप में भी आप जा सकते हो सीखने के लिए, बट आई थिंक कनाडा यूएस सीखने की बजाय बेचने के लिए ज्यादा मार्केट्स हैं. So I hope that was helpful for you. हम अभी निकलते हैं क्योंकि हमारी बस का टाइम हो रहा है, बट हाँ जाने से पहले एक और वीडियो हम करने वाले हैं, होपफुली विल डू इट टुमारो, बिकॉज आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं. एंड उसमें क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देखोगे मैं बॉस इंडिया में हूँगा, मैं क्यों जा रहा हूँ वो आई लेट यू नो इन अ डिफरेंट वीडियो, इट्स जस्ट द थिंग वी कुड नॉट अवॉइड. आई एम ओनली गोइंग, मैडम जी यहाँ पे होंगी. Yeah. अब पहले ये गई थी कि मैंने यहाँ पे इसी यहीं पे इसी ग्राउंड में आके मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, अब मैं जा रहा हूँ तो ये घर पे अकेले होने वाले, इनको अब इनका बैचलर टाइम आ गया. सो विल कम अप विद पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, विल शेयर अबाउट हर जर्नी, सो दैट यू नो यू सम ऑफ यू कैन गेट इंस्पायर्ड, सम ऑफ यू कैन आस्क क्वेश्चंस एज मच एज यू वांट.
क्योंकि मैं भी फोटोग्राफर रह चुका हूँ. अगर इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी रिगार्डिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री इन कनाडा, यू कैन लेट मी नो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड फ्रेंड्स यहाँ पे. मैंने बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इन टू मार्केटिंग, मैंने अपना फोटोग्राफी फॉर द पास्ट वन ईयर आई हैवंट डन एनीथिंग राइट नाउ. मैं थोड़ा ब्रेक पे हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट डेफिनेटली ओपन फॉर क्वेश्चंस. इफ़ यू फील दैट यू हैव एनी क्वेश्चंस, ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड एज ऑलवेज हम आपको रिप्लाई करके जो भी आंसर हो सकता है देंगे यार, ठीक है. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम अभी जा रहे हैं गार्डन ऑफ द गैलेक्सी, होपफुली अच्छी होगी यार, ठीक है. टेक केयर गाइस, बाय.